तो बच्चों जैसे क्या होता है, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ए प्लस आयोटा बी, या एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ऐसा होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो एक कोऑर्डिनेट, एक्स वाई बोल दो, ए बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम जिसे बना लेते हैं, अगर ये एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, और कोई पॉइंट है बच्चों, कोई पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन करूं, तो मेरे पास एक पॉइंट है पी। मैं बता रहा हूं ना, ये आइडेंटिटीज लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे को भी कोई याद नहीं रहती, मैं तो साथ के साथ बना बना के काम चला। हाँ अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये बात अच्छी बोली आर्यन तुमने, ये बात हमें अच्छी लगी कि ये पोजीशन वेक्टर। अगर हम वेक्टर के हिसाब से देखें तो ये ओपी वेक्टर है, ठीक है। फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर फोकस कर रहे हैं, मल्टीपल चैप्टर्स को हम बाद में इनको मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स और वाई के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ये रहा मेरे पास कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों अभी जो हम यहाँ पे गए, वो एक्स तो गए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, फिर वाई गए वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये जो 90 डिग्री वाला सिस्टम होता है ना, इसे बोलते हैं बच्चों हम कार्टीजियन सिस्टम। क्योंकि रेने डेकार्ते ने बनाया था इसको, तो ये जो फॉर्म होती है इसीलिए बोलते हैं इसको कार्टीजियन फॉर्म। इसे हम कार्टीजियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? सही बात है, गलत बात बताइए, सब कुछ ओके। अब हमने ये सोचा कि ये एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स में सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म, ठीक बात है दर्शक। ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा, सही है बच्चों, थीटा है ये। और ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है? ये हो गया मेरे पास आर। ओके, तो बच्चों ओरिजिन से कितना दूर है, इसी को हम मॉडुलस कहते हैं। वेक्टर में ज्यादा चल रहे हो आज, हर्षित है आर्यन, वेक्टर के हिसाब से सोचो। जरा देखो, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा? स्क्वायर रूट में बच्चों, क्या ये स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा? हम चीजें बड़े आराम से समझेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, बाद में भगाना सिखा देंगे हम बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा, जो इसका एंगल होता है बच्चों, इसी को हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, बहुत अच्छे मिश्रिता, वेरी गुड, या एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। तो ये मेरे पास है थीटा। तो बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, अगर आप उसे एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो होता है कार्टेशियन फॉर्म। और अगर इसी को हम
आर और थीटा की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाती है पोलर फॉर्म। और इसी को अगर हम ई की फॉर्म में लिखें, ई की पावर, तो ये हो जाती है यूलर फॉर्म। लिख देता हूं, ये यूलर हो गई, ये पोलर हो गई और ये कार्टीजियन हो गई। तो यहां पर एक्स और वाई की इंपॉर्टेंस है, यहां पर आर और थीटा की इंपॉर्टेंस है, यहां आर और थीटा की इंपॉर्टेंस विद ई की पावर है। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर आप कंपेयर करें बच्चों तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है बच्चों? आप देखो यहां पे आर की जगह तो आर ही है, तो ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं हो गई? यस और नो बच्चों बताओ। तो बच्चों कभी भी जिंदगी में बता रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो वो होता है ई रेस टू पावर आई थीटा के। अब बताओ यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या हो तो मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं, हम लोग आमने सामने। ये ग्रेजुएशन में पता चलेगा किसमें सॉल्व करना बेटर। बढ़िया क्वेश्चन शिवम, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे डाउट जब निकल रहे होते हैं ना तो इससे पता चल रहा होता है कि तुम इसे किसमें पता चलेगा, ग्रेजुएशन में पता चलेगा ये आपको। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। या चलो आपको अभी बता देंगे बाद में कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल सीरीज के मैंने क्वेश्चन करवाए थे एक बार, उससे भी आइडिया लग जाता है, बट पता नहीं ग्रेजुएशन में चलेगा। सीरीज नाम का एक चैप्टर होता है बेटा, सीरीज का होता है, जिसमें टेलर एंड मैक्लूरिन, मैं बता देता हूं आपको, टेलर एंड मैक्लूरिन सीरीज आती है, तब ये सिखाया जाता है। मेरे को लगता है कि अभी ये कैसे आया की बजाय ये क्या आया ज्यादा काम का आया आपके लिए, आपके सिलेबस में क्या पे फोकस कराया जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों एक समस्या आती है मेरे पास, एक नए मैथमेटिशियन कूदते हैं इस लड़ाई में और आप देखिए उनके विचार क्या है। वो जो नए मैथमेटिशियन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डी मोएवर्स थ्योरम। डी मोएवर्स थ्योरम, अभिमन्यु, नहीं, अभिमन्यु नहीं, बिल्कुल अर्जुन बनाएंगे आपको। डी मोएवर्स थ्योरम, इसका नाम भी सुना है, हाँ ये मैंने बोला है पहले भी कई बार आपके। तो डी मोएवर्स थ्योरम क्या है बच्चों, उसे सुनो। डी मोएवर्स थ्योरम ये कहती है बच्चों, ये कहती है कि अगर आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसकी पावर में एन है, कुछ है, तो आप का ये पता है किसके इक्वल हो जाएगा? सरप्राइजिंगली देखिए आप जरा, ये इक्वल टू हो जाता है कॉस एन थीटा और आयोटा साइन एन थीटा, मतलब पावर की मल्टीप्लाई एंगल में हो जाती है। क्वेश्चन देखो आप जरा, अगर मेरे पास है कॉस 30 डिग्री और आयोटा साइन 30 डिग्री, मेरे लाल बताऊंगा हर्षित, मेरे लाल मैं बताऊंगा, चिंता नहीं, चिंता नहीं बेटा, फिकर नॉट। यहां देखो तो इस थ्योरम के हिसाब से, एक बच्चा भी आया, कौन आया, ये
इस थ्योरम के हिसाब से कोमल, इस थ्योरम के हिसाब से बच्चे ये हो जाएगा cos 60 प्लस आयोटा sin 60। अगर 3 होता तो 90 हो जाता, क्या ये बात समझ में? माइनस का होता तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाती बच्चों। सर ये तो बायनोमियल एक्सपेंशन से एन थीटा में मल्टीप्लाई हुआ। ना 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 ना, तानिशना बेटा इतना नहीं, आप फंस जाओगे इसमें। मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। देखो इसके मेरे पास में दो तीन प्रूफ है, मैं दो तीन तरीके से आपको समझा सकता हूँ। एक इसका ओरिजिनल भयंकर भयंकर प्रूफ है इसका, जैसे कहते हैं इसकी आत्मा परमात्मा सब कुछ। एक मेरे पास जुगाड़ है इसका, वो भी बड़ा काम का लगता है मुझे तो, वो बहुत अच्छा लगता है जुगाड़। मैं आपको बताता हूँ, उसे समझो आप। LHS से शुरुआत कर रहा हूं बच्चों, क्या ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों, क्या ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या मैं, यस 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 यश वर्मा पकड़ ली तुमने बात, क्या मैं इसे ई रेस्ट टू पावर आई थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल मिश्रिता, आपने पकड़ ली बात। और इसकी पावर है एन, पावर की पावर हो तो बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, हाँ या ना? अगर बच्चों आई के साथ थीटा होता है तो यहां भी थीटा आता है, अगर आई के साथ एन थीटा होगा तो क्या ये कोई लॉक की जरूरत नहीं है, क्या ये ऐसे आ जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, खत्म हो गया हर्षित, खत्म हो गया। फिर नया थीटा इक्वल टू एन थीटा, सिंपल सिंपल है ये बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा प्रूफ, पीएमआई से होता है। इसका दूसरा प्रूफ पीएमआई से होता है। पीएमआई वाला प्रूफ अगर आपको आ गया समझ में तो आप, पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओहो, 11th वालों को तो पढ़ाया नहीं गया चैप्टर, इसकी डिलीटेड था, ओमिटेड था ना ये वो चैप्टर। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये तो दिक्कत हो जाएगी, पर मैंने किया था तो महान मिथ्या हुई, कर लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है उनकी किस्मत अच्छी रही है खराब, अच्छी है, पीएमआई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं। ना ना रहने दो, सुनो मैं ही कह रहा हूं, जब ये समझ में आ रहा है तो क्या जरूरत है इस पे जाने की, बहुत बड़ा भी है, बहुत बड़ा, पूरा पेज भर जाएगा इससे भी। भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर बायनोमियल कराओगे? क्यों नहीं कराएंगे भाई साहब, बिल्कुल कराएंगे, ओपी हो गया। अच्छा बिल्कुल कराएंगे, बायनोमियल कराएंगे, बिल्कुल झंडे गाड़ गाड़ के करा देंगे बायनोमियल तो। बायनोमियल में तो आप उछल जाओगे, इतनी जबरदस्त चीज है बायनोमियल तो। सर ये बाइनरी कौन सा चैप्टर है? बाइनरी में एक चैप्टर होता है, बाइनरी कंप्यूटर साइंस वाले चैप्टर, बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हो कि कुछ और? अभी करे आगे तो बच्चों, ये समझ में आ गया है वो? अब मेरी बात सुन, मेरी आवाज सुन। डिमोइवो थ्योरम का एक और शिवम, अभी बेटा फोकस कर ले इस पे। डिमोइवो थ्योरम ये भी होती है, ये सिखाया जाता है डिमोइवो थ्योरम में, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एंगल प्लस हो जाते हैं, अगर 3 हो तो तीनों प्लस हो जाएंगे। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ देखिएगा आपके सामने है।
पसंद आए तो बता देना। क्या इसे हम आई की पावर, यस, और क्या हम इसे आई दृष्टि ई दृष्टि पावर आई थीटा टू लिख सकते हैं, जो ये बन जाएगा आई थीटा वन और आई थीटा टू ई दृष्टि पावर आई थीटा वन प्लस थीटा टू। और बच्चों आई के साथ जो भी होता है वो ही आ जाता है, यस पता, जो भी होता है वही आ जाता है ना। बनी बात कुछ कुछ भाई, कुछ कुछ बन गई बात। तो ये था हमारा डी मॉर्गन थ्योरम, यूलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, अभी इनइक्वालिटी पे नहीं जाते, आपका बीपी लो हो जाएगा, इनइक्वालिटी नहीं कराएंगे अभी, ये कराएंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ओहो, ये तो सॉल्व कर रखा है। चलो इसमें मैं, हाँ बन गए सर, ठीक है। मेरी बात सुनना, आराम से सुनना। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म और बताऊंगा आपको, वो हमारी और आपकी फॉर्म है, ठीक है, ध्यान से सुन। बच्चे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, आपने क्या किया, एक्स और वाई लिख लिए, ठीक है, एक्स और वाई लिख लिए। अब अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म सोचूं, भाई कार्टिजन भी हो गई, पोलर भी हो गई, यूलर भी हो गई, ज्योमेट्रिकल सोचते हैं, एक्स तो नेगेटिव है और रूट थ्री मतलब 1.7, अगर ये वन है तो यहां पे कहीं पे आएगा, तो ये हमारा बन गया -1 और √3। बच्चों सही बात है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया। और यहां देखें तो ये तो 1 है और ये √3 है, तो क्या आप ये एंगल निकाल पाओगे बच्चों, एंगल एंगल निकाल पाओगे, ये ट्रिगो से एंगल निकालते हैं इसको, हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, ठीक है। तो मैंने 10 ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऊं जी शिवम सब बता रहे हैं, मैंने 10 ले लिया बच्चों, तो कितना, मिशिता हर्षित सबका आंसर सही है, एसपी कौन था ये, शिवम पाराशर, ठीक है। तो ये हो गया √3/1 से आगे आप बता रहे हो 10/60 या 10π/3। तो बच्चों एंगल तो ये माना जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज देखा जाएगा, तो आपका ये अल्फा है, अल्फा इसे अल्फा लेते हैं, ठीक है, तो अल्फा तो आया 60 और मेरे पास थीटा आ गया बच्चों 120, सही है। तो और अगर मैं हाइपोटेन्यूस निकालू तो 2 आ रहा है, तो बच्चों हाइपोटेन्यूस तो हो जाता है आर और थीटा हो जाता है आर्ग्यूमेंट, दैट इज 120। इसलिए इन्होंने ऐसा ले रखा है यहाँ पे आर और थीटा, आर और थीटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आर निकालना और थीटा निकालना। अगर आपको याद हो तो यहां पे थीटा और अल्फा सेम होते थे,
सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा हो जाता था, फोर्थ वाले में माइनस अल्फा होता था, थर्ड बड़ा स्पेशल था, थर्ड होता था ये। एक बात बच्चों हमेशा याद रखनी है कि जो आर्गुमेंट होता है ना, मतलब जो थीटा होता है, ठीक है, ये हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो पाई से छोटा होना चाहिए। मतलब 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, 180 से बच्चों ज्यादा नहीं हो सकता ये। ठीक है जी, शिवम क्लियर हो गया आपका भी डाउट? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगले वाले को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों? करके देखोगे? यस सर। अच्छा कर दो, कर दो। अगले वाले को कार्टेशियन में कन्वर्ट। ओके मिश्ता, अभी वेट करते हैं एक दो का और।
बहुत, 4 बच्चों का आंसर आ गया। ओके मैं दिखा देता हूँ आंसर, देखो भी। बस बहुत बढ़िया। शिवम 3 बेटा कहाँ रह गया? आर भी तो आना होता है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। आगे बढ़ो। अच्छा, अगर हम देखें तो आई की पोलर फॉर्म, अब कोशिश ये करो क्या हम, कोई बात नहीं माइनस है क्या हो जाएगा, क्या हम आई की यूलर फॉर्म बिना पेन चलाए लिख सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। यस सही है बेटा, गुड। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो, सोचना है। देखो ऑनेस्टी सी बात में कि नहीं, कोमल नहीं बेटा, आर्यन गुड। हाँ ठीक है, पूंजी मिश्रिता करेक्ट है। यस यस, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए, यस मिशिता, फर्स्ट पार्ट के लिए देखो बच्चों, भाई आपको सोचना है आई का मतलब हो गया 0 1। अब मन मन में सोचो 0 1 तो यही होगा, तो एंगल हो गया 90 और आर हो गया 1, तो आर 1 हो गया, एंगल 90 हो गया, तो आ गया ये। हाँ मिशिता गुड गोइंग बेटा, हर्षित वेरी गुड। कोई बात नहीं कोमल, कोई बात नहीं, आराम से सोचो। आपने पोलर फॉर्म बोली थी, अरे मेरे लाल, यूलर, यूलर बोली थी, पोलर, तो कोई बात नहीं, वो तो और भी आसान है। ये लो, अब ठीक है। सर, माइनस इधर माइनस आई का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? आई का कोऑर्डिनेट देखो क्या रिप्रेजेंट है, सर उससे आइडिया लगता
यस वेरी गुड बेटा, कोमल गुड, शिवम बहुत बढ़िया। चेक करो क्या ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही। तानिश बेटा तुमने एक भी आंसर नहीं दिया है। विशु, तानिश, शोभित, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। एंड पार्थ, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताओ। सब माइनस आई में सर। हाँ बोलो बेटा। सर थर्ड और फोर्थ समझ नहीं आ रहा मेरे को। कोई बात, आप ये देखो इस माइनस वन का मतलब माइनस वन प्लस जीरो आई हो गया कि नहीं हुआ, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब आप एंगल देखो इसका कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, सॉरी प्लस पाई आएगा, ठीक है। इधर से हो गया पाई एंगल और ये हो गया आपका वन, तो वन, ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। अच्छा इसमें एक अच्छी बात यह है, मैंने जैसे माइनस लिखा हुआ था ना तो वो भी इक्वल था, एक ही बात थी, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी को भी डाउट हो बताओ मुझे बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कॉपी पेन वापस पकड़ ले, बिल्कुल पकड़ लो जी, कुछ और दे देते हैं हम आपको। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ ये क्या होगा, इसे कैसे करोगे भाई, नहीं इसे देखो, इसे ये कैसे होगा, मैं बताऊं, घबराहट सी हो रही होगी ना इसे देख के। मैं बताता हूँ आपको, आराम से समझना, आराम से बिल्कुल मजे में, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को। ये ऑलरेडी पोलर नहीं है, ना 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 ये नहीं है बेटा, मेरे एक बात सुनो मेरे लाल, यूलर में सीधा, हाँ एक्चुअली जो आपको लग रहा है वो ये है कि ये हो जाएगा e रेस्ट टू पावर i पाई बाई थ्री, सही बात है बेटा, ये लग रहा है ना, बट इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, क्या ये आपको पोलर फॉर्म लग रही है। अब सुनना, देखना जरा इसे, रिलैक्स होके देखो बिल्कुल। 11 क्लास में ट्रिगो में ये पढ़ा जा चुका है कई बार कि वन प्लस कॉस थीटा होता है, अभी अभी बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस, मेरी जरूरत पड़ेगी आपको इसमें। तो ये हो गया टू कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स, और साइन साइन थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। प्रोसेस सीख लो, बाद में शॉर्टकट भी बता दूंगा,
तो हमारे पास क्या हो गया, ये कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos π/6, तो बचा कितना, cos π/6 प्लस आयोटा साइन, अरे थीटा बाई टू लिख पाई बाई सिक्स, ठीक है। कॉस पाई बाई सिक्स का मतलब कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का मतलब हो गया √3/2, 2 से 2 चला गया। और प्यारे बच्चों, क्या ये ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, आराम से देख के बताओ, पहले आराम से देख लो, एक बार दोबारा से देखो चीजों को, समझ में आती है तो मानो, नहीं आती है तो मना कर। सर सर ये फर्स्ट स्टेप में कॉस क्या क्या लिखा है, थीटा बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, ओके सर दोबारा लिख देते, हाँ जी देखो भाई, सबसे पहले देखो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टा 2 cos² θ/2, और अगर यही 1 minus cos θ होता ना बच्चे, तो ये हो जाता 2 sin² θ/2। MCQ की भी ट्रिक बताएंगे, मेथड बताएंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लें एक बार फिर बता। तो बच्चे 1 plus था इसलिए हो गया 2 cos² π/6, आई की जगह आई आया, 2 की जगह 2 आया, sin θ/2 cos θ/2, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, नहीं आ सकता, नंबर ही चाहिए बेटा, एक नंबर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये लगा दिया, कुछ कॉमन आया देखो, आराम से कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लिया, आ गया क्या बचा, बन गया फॉर्मूला। अब क्या हमारे पास स्कोप है कि इसको हम लिख सकें, ट्रिगो कॉम्प्लेक्स मैशअप, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल मैशअप है एलजेब्रा एंड ट्रिगो का। तो यहां पे आ गया हमारे पास cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/6 की, बस तो ये आ गया 3 minus iota √3/2। हाँ जी, अब देखो क्या जो रिजल्ट है इसमें कोई समस्या है,
कोई बात नहीं, उल्टा आ गया, उल्टा आ गया, उल्टा कैसे आ गया, उल्टा कैसे आ गया, हाँ तो भाई समझ में आ गया, नहीं आया ये बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर, कुछ क्लैरिटी आई है कि नहीं आई इसमें? यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक, ये नई कहानी है, ऐसे देखो जरा ये क्या है, इसे तो लिख लेना बच्चों, लिख लेना, बहुत काम की चीज है ये, बताओ क्या है ये, समझा देते हैं। लॉग तो है, क्या लॉग है, बिल्कुल लॉग है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, क्या इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है? आप कहोगे हाँ कन्वर्ट करा जा सकता है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है आर ई रेस्ट टू पावर आई थीटा, और आर का क्या मतलब होता है, जेड का मॉडुलस, ठीक है। अब मैं अगर दोनों साइड का लॉग लूं तो लेफ्ट का भी और राइट का भी, तो लॉग के हिसाब से क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं, प्लस में आ गए, पावर आ गया जाती है, आ गई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा लॉग आर और सिंपल आई थीटा, आर होता है आपका मॉडुलस और थीटा होता है आर्गुमेंट, इसमें आयोटा नहीं है इसलिए रियल है, इसमें आयोटा है इसलिए इमेजिनरी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों बहुत भयंकर, कहते हैं इसे निकालो, पहले इसे बाकी चीजों को लिख लो फिर मैं इसे बताता हूं। नहीं 2i कैसे आ जाएगा, लिख लो बताते, लिख लो, नहीं इतनी जल्दी, अरे मेथड वही देखो ना, अभी बताते अभी बताते, -1 की पावर -1 से -1 बेटा, लेकिन -1 नहीं होता ना, √-1 होता है, प्रॉब्लम तो ये ना, रूट भी तो होता है, उसका क्या करें, अभी बता रहे हैं, अभी सब समझाएंगे। अभी बता दें, अरे हम बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले नोट कर लिया सारा का सारा, ये नोट कर लेना काम की चीज है, बताता हूँ बेटा बताता हूँ, समझाता हूँ आराम आराम से समझाते हैं, अभी बता रहे बेटा,
ना आंसर गलत ही है, बहुत हद तक सही है, माइनर मिस्टेक है। अच्छा आई का मतलब क्या होता है? क्या अगर मैं सिर्फ आई को देखूं, नहीं रूट माइनस वन तो होता ही है, अगर मैं आई को देखूं, बहुत बढ़िया यश, क्या आई का मतलब, यश आंसर सही है, आई का मतलब ये होता है कैसे 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 कैसे, यस 01 होता है, एंगल तो हो गया 90 और मॉडुलस हो गया 1, क्या आई का मतलब ई रेस टू पावर आई पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता बताओ, होता है कि नहीं होता बताओ, होता है कि नहीं होता बताओ, होता है। अब पावर की पावर हो तो इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, आंसर आ गया ये। आई को निकालने के लिए फॉर्मूले में कुछ आई अजीब नहीं है भाई, आप ये देखो सर सिंपल सी बात है, आई क्या है, आई की पावर तो उसको, हाँ जो बेस वाला आई था बेटा, बेस वाला जो आई है ना उसको लिख दिया। आप देखो ना मैं बता रहा हूं आपको, देखो आप आराम से देखो भाई, आई का मतलब बच्चे क्या 0+1 आयोटा है या नहीं, तो क्या ये 0-1 हुआ या नहीं, तो यहां से थीटा की वैल्यू 90 और आर की वैल्यू 1 आई या नहीं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे आज बहुत बार बताया गया है ऐसा होता है, तो ये बन गया आई पाई बाई 2। तो हमने इस वाले आई को लिख दिया ई रेशियो को आई पाई बाई 2, और इसकी पावर है, पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, माइनस वन हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं हुई बता क्या ये बात खत्म हुई सर? हाँ सर, जैसे कि यूलर फॉर्म में होता है कि आर ई रेस टू पावर आई थीटा, तो सर फिर इसमें आई क्या होगा फिर जो पावर में है, हमने उसे देखा ही नहीं थोड़ी देर के लिए, हम तो इस पे ध्यान दे रहे हैं बस कि भाई पहले एक आई को तो निपटा ले, हमने इसको निपटा लिया, फिर देखा ये तो आई है और पावर पावर तो सॉल्व हो सकती है, इसीलिए तो बेटा ये कम से कम 10 बार आ चुका है एंट्रेंस में क्वेश्चन, इसी वजह से एटलीस्ट 10 टाइम आ चुका है क्वेश्चन, 10 टाइम्स भाई। आप ये चाह रहे हो कि मैं दोनों की दोनों जगह ये लिख दूं तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा, यहां लिखूं तो सॉल्यूशन आ रहा है ना बड़ी जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई, ट्रिकी हो गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया ट्रिकी, तुम्हारा हाँ सही हुआ यश, बहुत बढ़िया हुआ बेटा तुम्हारा, ऑप्शन में ये होता है या कुछ और सॉल्व करना होता है, ऑप्शन में यही होता है बेटा, यही होता है, यही आंसर आता है ई रेस्ट पावर माइनस फाइव बाई 2। आप देखो धीरे 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 हम बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति करते जा रहे हैं, कुछ बच्चे और कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों साइड का लॉग लिया, तो ये आ गया आई लॉग आई, कुछ बच्चे इसे ऐसे भी करते हैं, अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग हो तो आप क्या करो, पहले तो
जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आई इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मॉडुलस देखो कितना आ रहा है, फिर आई के साथ इसका आर्गुमेंट लिखो। मुझे मेथड थोड़ा कम पसंद है, मैं आपको बता, ठीक है, इसके बाहर आई चल रहा है, ये भी करा देते हैं कुछ लोग, आई रिपीट मुझे ये कम पसंद है, ऐसा आ जाता है, मुझे ये जमता नहीं। और ये 12-14 साल पहले मैं भी ऐसी करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा लगता है, उसमें लॉजिक है, इसमें लर्निंग ज्यादा है। सर इस क्वेश्चन में तो ये होता है कि जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन देखे और देखते ही कि पावर में आई नहीं है तो सीधा इस ऑप्शन में एलिमिनेट करना। चलो खैर ऑप्शन आएगा तो ट्राई कर लेना, देख लेना, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में क्योंकि कोई और क्वेश्चन आएगा तो कुछ और भी हो सकता है। ई वाला मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ भी मेथड वन लिखा है, मेथड टू लिखा है, दो मेथड है, मैंने आपको बताया, किसी को मैंने आपको दोनों बता दिए। इसके बाद स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हो गए, यस बिल्कुल, ऐसे नहीं याद करेंगे, इसे भी सिखाएंगे हम आपको कैसे करना, बट इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर लगेगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना इसे नेक्स्ट क्लास में करवाया जाए, आज आपने वार्म अप में काफी कुछ कर लिया है, क्या कहते हो, काम काफी सारा हो गया, नहीं हो गया, डिमोर्गस थ्योरम भी करा दिया वाला कि मैंने बीच बीच में, ये सब सब होने वाले हैं, अब ये बहुत जल्दी जाएगा, ये चैप्टर एंड पे जा रहा है, ओके सो